स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो गाइस मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों नहीं आ पा रही थी मैं। तो गाइस मैंने एक आप लोगों के आशीर्वाद से छोटा सा घर लिया है और बस उसी उलझनों में फंसे हुए थे। तो अब फाइनली हमने ले लिया है, शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। तो वो घर वाला व्लॉग भी मैं एक दिन बना के डालूँगी, आप देखना। और तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो आज मैं आपको बताती हूँ मैं जा रही हूँ शूट पे। तो आपने मेरा पहले वाला व्लॉग भी देखा होगा शूट वाला, तो मैं वहीं जा रही हूँ मालदीव का। तो शूट भी ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो मैं यहीं से व्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। और सॉरी 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 अभी भी सॉरी बोल रही हूँ, मेरा व्लॉग नहीं आ पाया। अब मैं आप कोशिश करूँगी कि व्लॉग डालती रहूँ। और तो गाइस चलो फिर चलते हैं। और चलो पहले तो मैं प्रेसिंग कर लेती हूँ बालों में, देखो क्योंकि मेरे बाल आज खुले हैं। देख सोच रही हूँ कि बाल आज खुले करके जाऊँ, तो देखते हैं फिर। चलो मैं पहले प्रेसिंग करती हूँ, चलिए फिर। और आज हाँ शूट पे सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए गाइस मैं करती हूँ प्रेसिंग। चलो फिर करते हैं प्रेसिंग। खुद ही घर पे पार्लर वाले बन जाओ और ऐसे प्रेसिंग करो। चेक आप देख सकते हो अभी इतनी तेज गर्म नहीं हुई है। मेरे बाल बहुत शॉर्ट हो गए हैं, देखिए कटिंग करवा के। इतने थे हाँ इतने तो थे, इतने छोटे हो चुके हैं। गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझ पे खुले बाल अच्छे लगते हैं या पूनी अच्छी लगती है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस बस मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एक छोटा सा अपना घर, खुद का घर ले लिया है। और सॉरी मैं ब्लॉग अभी भी कह रही हूँ आपको, सॉरी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, अब मैं ब्लॉग डालूँगी। और हाँ गाइस घर का ब्लॉग भी ज़रूर डालूँगी मैं, आपको अपना घर दिखाऊँगी कि कैसा है मेरा घर। और आज तो हम शूट पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा भी आता है बहुत और बोर भी होते हैं। तो लड्डू भी उठ चुका है, पापा भी आ रहे हैं, इसके पापा अभी लेने गए हैं, हस्बैंड गए हैं लेने एक्टर्स को। लड्डू भी उठ चुका है, ये देखो मेरा बेटा उठ गया, अरे बेटू उठ गया उठ गया। हाय तो बोल दो गाइस को, अभी बस होके उठा है ना इसीलिए। अब धीरे धीरे रनिंग पे आ रही है, ये देखो गर्म हो रही है। तो मैं पहले अच्छे से प्रेसिंग करती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो मैंने देखो गाइस प्रेसिंग कर ली है और मेकअप भी कर लिया है थोड़ा बहुत। तो अब मैं ड्रेस पहनती हूँ और फिर तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर हम लोग चलते हैं शूट पर। चलिए गाइस देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मेरा फाइनल लुक ऐसा है। और गाइस हाँ मैंने ना बाल खुले नहीं करे हैं क्योंकि मैंने कहा हम जा रहे हैं इतनी दूर, फिर उड़े उड़े से बिखरे बिखरे से अच्छे नहीं लगते, तो मैंने पूनी कर ली है। और मैंने ये सूट डाला है, ये देखिए, तो मैंने सूट डाल लिया। पहले मैं लोवर और टी शर्ट डाल रही थी, फिर मैंने सूट डाल लिया, मैंने कहा ये कम्फर्टेबल है। कम्फर्टेबल क्या है, अच्छा लग रहा था, मेरा मन था सूट पहनने का, तो मैंने सूट पहन लिया है। तो गाइस अभी तक लड्डू के पापा नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर में आने वाले हैं, फिर हम लोग चलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीधा सीधा वाली पे। ये देखो आज फिर मिल गए हैं ये गाइस। हेलो दोस्तों, और सच बताऊँ बहुत घमंडी हो चुकी है ये, नहीं, ये बहुत भूल गए हमें। नहीं ये बस छोड़ो, नहीं 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 बोलना चाह रहे लेकिन बोलेंगे किस मुंह से, मुझे ये बताओ। और दोस्तों जिस मुंह से बना रही हो भी नया लिया है? नहीं ये पुराना है गाइस, मैंने कवर हटा रखा है। बिल्कुल नहीं, और सच में बताओ तो हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी किए थे लेकिन बीच में इनकी बिगड़ गई मेरे से। ये बात ही नहीं करते मेरे से, नहीं बहुत प्यार था मुझे इनसे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्यार था कि ये सब झूठ बोल रहा है। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता, घूम फिर के फिर आ गया। देखो प्यार दोस्तों घूम फिर के वहीं जाता है, लड़ाई हो जाए, प्यार तो प्यार है। ओहो प्यार तो प्यार, इग्नोर करना गाइस ये सारी बातें। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, सच बताऊं अगर हस्बैंड देखो आगे भेज दी इन्होंने गाइस, जगह नहीं थी ना कार में इसलिए आगे भेज दी। देखो गाइस पीछे देख लो, दिखा दो जगह है पूरी। जानबूझ के मुझे डरते हैं इनके हस्बैंड इनसे, सारी बातें इग्नोर कर रहे हैं। और एक बार फिर मजा आ गई करके, और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले बधाई है सोनम भाभी को कि थैंक यू सो मच, माँ सुरकंडा माँ भगवती की कृपा, क्योंकि बीच में बहुत दिक्कतें आई थी इनपे, बहुत ज्यादा। भगवती ने जो है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है कि बहुत अच्छा अच्छा घर भी दे दिया है, और आगे जो है बहुत अच्छा चलेगा। तो एक बार फिर से एक प्रोजेक्ट नया लेके आए, भाना बनोली बिक्री चियाल ऑफिशियल से हम लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा गीत है और सिंगर भी हमारे साथ है, थोड़ा नाम तो पता नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, नाम भी बता देंगे अभी। और आज के हमारे एक्टर हैं ऋतिक डबराल जी, साथ में सबने भेजी फेम और कई गाने इन्होंने कर चुके हैं, और जो हमारे लीड एक्टर फीमेल में है इसी का विष्ट जी साथ में हमारे। तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे मिलके हम, और लगातार संस्कृति के लिए हम काफी प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मैं लगातार हर दिन हर प्रयास में लगा रहता हूँ उत्तराखंड की संस्कृति के लिए लगातार। आज भी जो सुबह 6 बजे उठ गए थे, नहा धो के अपना फर्स्ट क्लास, लेकिन खाना नहीं मिला ना ये लेके आए हैं। खाना मैंने खुद नहीं खाया। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको लोकेशन पे, बाय। हमारा पराठा आ गया है और हम लोग पराठा खा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है गाइस, तो ढंग से समझ नहीं आ रही होगी आपको मेरी वॉइस। ये है अंकित का पराठा, ये लड्डू का पराठा, अंकित ने तो खा लिया है, मेरा पराठा खा रही हूँ छोले दाल, और मैं खा रही हूँ हमेशा की तरह प्याज का पराठा। मैं खा रहा हूँ पनीर का पराठा, सुबह सुबह बदतमीजी आइसक्रीम। हेलो गाइस, ठीक कैसे खा रहा है गाइस? हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे जोरों शोरों से प्रैक्टिस हो रही है, और ये है हमारा लोकेशन। ये सारे भुक्कड़ अखरोट खा रहे हैं, ये देखो मैं अखरोट लाई थी घर से, सारे खत्म कर रही है इन्होंने अभी। ये सारे ये हमारी हीरोइन है, इनको तो जानते ही होंगे आप सब कि कौन है ये। और ये सिंगर है, इन्हीं का गाना शूट हो रहा है, और ये है एक्टर अभी रेडी हो रही है टीम, और ये अभी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। ये सारे अखरोट खाने में बिजी हो रखे हैं सारे के सारे, ये अभी कैमरा सेट हो रहा है। यहाँ पे चल रहा है मेकअप, और ये अंकित बना रहे हैं इनकी वीडियो। सारे शांत हो गए हैं। ओम दक्षिणाय नमः, दक्षिणा दिया जी। आज चले जा रहा हूँ मस्त दक्षिणाय नमः रखो। सारे बैठे हैं गाइस, यार ये जलेबी ने मेरी बत्ती मुझे सबको मुझे कच्चा आ रहा है, हाथ जल जाता है लड्डू से।
नहीं चलेगी, वहाँ हवा चल रही है बहुत तेज, हटा दो। ये जोरों शोरों से अभी प्रैक्टिस चल रही है। गाइस देखो ये है यहाँ पर हमारा घर, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर शूट लगभग शुरू होने की तैयारी में है और यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। तो गाइस हम लोगों ने अब लोकेशन चेंज कर दी है, वहाँ ऊपर थे हम, तो ये लोग यहाँ ऊपर चढ़े हैं, हम तब तक वहाँ बैठ रहे हैं। तो ये उन्होंने अब लोकेशन चेंज कर दी है, अब हम यहाँ जा रहे हैं आगे। ये पूरे चीड़ के पेड़ हैं देखो, मस्त। ये फिसलता भी यही नीचे ही है ना, इससे पैर, इससे ये देखो, वाओ। अगर बहुत देर होता है ना। वो देखो हमारे सॉन्ग की आवाज कहाँ तक आ रही है। ये है वो लोग ऊपर यहाँ पर, अब वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। काफी देर से खड़े थे तो थक गए हैं। वहाँ पे रिश्ती पिघल रही थी और यहाँ पे आगे वाली वाले थैली पिघल गई, जम गई, मैंने फेंक दी। तो गाइस हम लोग चलते हैं, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा जंगल है घना घना सा, ये देखो ये हमारी चीज़ है। ये आपको बताइए बीफीज में पीती हूँ जो नमकीन चिप्स वगैरह है थोड़ा बहुत, और नीचे पराठा खाया था, वो लड्डू ने खाया नहीं तो मैंने पैक करा लिया था, मैंने कहा इसके काम आएगा। तो गाइस आपको कैसा लगा शूट कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना किस किस को पसंद है ये शूट पे जाना, मुझसे बहुत अच्छा लगता है। और बोरिंग भी थोड़ा बहुत बोरिंग भी होते हैं क्योंकि एक ही स्टेप बार बार करते रहते हैं ना, तो कोई नहीं हम तो फुल मस्ती करते हैं, वैसे भी वो लोग बेचारे एक्टर्स परेशान हो जाते हैं, थकान हो रही है, तो बहुत ही अच्छा व्यू ये देखो, वाओ। वो सारे के सारे भाग गए आगे मुझे पीछे छोड़ के। यहाँ पे और लोग भी आए हैं, ये तो बाइक लेके आए हैं, बाप रे बाप। ये आपको मैं दिखाती हूँ गाइस, ठीक है, और ये लोग यहाँ पे बाइक लेकर आ रहे हैं, माय गॉड, बहुत ही देखो ना डेंजर रास्ता, आप देख ही रहे हो कहीं भी ऊपर पहाड़ी नीचे पहाड़ी, पता नहीं कैसे लेकर आ रखे करके। कई लोग बाइक भी लेकर आ गए यहाँ पे, ये देखो गाइस व्यू, वाओ। मेरी माधुली, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, और आप व्यू देख सकते हो कितना अल्टीमेट व्यू है। और कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये व्यू और कहाँ का है, आप गैस करो कहाँ का है, कमेंट में बताना कि ये व्यू है कहाँ का, आपने पहले देखा है या नहीं देखा है। ये है हमारे सॉन्ग के सिंगर, तो आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया है, ये हमारे उत्तराखंड की जो अच्छी अच्छी जगह है देहरादून में भी, हमें अपने पहाड़ से भी ज़्यादा सुकून यहाँ मिलता है और बहुत ही अच्छा है।
और खासकर जल भाई जी ने जो मुझे ये जगह दिखाई, आज दिल बहुत ही खुश हो गया और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। तो ये देखिए आप व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है और इन इसका श्रेय इन्हें जाता है, ये यहाँ पे रहते हैं भैया। सॉरी मौसा जी लगते हैं ये। तो ये यही इनका गांव है ये। कभी भी आओ शूटिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे संपर्क करें गाइस। और बहुत वो क्या कहते हैं, अभी ये गर्मी स्टार्ट हो रही है, कैंपिंग भी करवाते हैं। कैंपिंग करनी है यहाँ पर, आप इंस्टा पे बंद करवा दिया। हाँ क्यों? अच्छा हाँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होने लग गया था और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी लोग करने लगे थे, आपको पता ही है लोग खाते हैं फेंक देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैन कर दिया है ना, तो इसलिए ये देखो आप अभी भी देख सकते हो, आप लोगों ने यहाँ आग जला रखी है, कितनी चीजें फेंकी है, ये देखिए आप देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे शूट वगैरह बैन, क्योंकि वो हमारे साथ भाई थे तो हम लोग इसलिए आ गए परमिशन लेके, वरना नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी कर दी है लोग, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। सबसे ये कर कोई लोग शूटिंग पे आते हैं तो अपने पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ रखें और अच्छा रखें, ताकि हमारे गांव वाले हमें ये बोले कि नहीं यार अच्छा कर गए हैं। जो भी इंजॉय करना घर पे करें, लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ रखें। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारा कूड़ा फेंका है, वैसे भी थोड़ा बहुत तो साफ करा है ये, बट इसलिए यहाँ पे बैन कर दिया है। हमारे साथ जान पहचान वाले थे इसलिए हम लोग कर ले, पर हम लोग गंदगी बिल्कुल नहीं करते हैं, जो भी हमारा कूड़ा होता है हम सब ये देखो ये थैली में भर के लेके चले जाते हैं, फेंक देते हैं। तो गाइस मेरे से ये रिक्वेस्ट है,